हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार अभियान IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 के बारे में गाइस बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसको इशू कौन करता है, फिर बात करेंगे इसके पैरामीटर्स के बारे में, और फिर बात करेंगे इंडिया के स्टैंड के बारे में। चलिए गाइस शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर गाइस बात की जाए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, तो इसको इशू जो करता है वो है वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये इसको इशू करता है इस रैंकिंग को। अगर गाइस बात की जाए वाइपो के बारे में, तो ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। अब गाइस बात करते हैं हम लोग 2020 के थीम के बारे में। तो गाइस 2020 का जो थीम है, हु विल फाइनेंस इनोवेशन, यानी जो नवाचार हैं आने वाले वक्त में, फ्यूचर में, इसको फंड कौन करेगा, कौन पैसा देगा इनोवेशंस के लिए। सरकारें देंगी, प्राइवेट संस्थान देंगे, या कोई इंडिविजुअल एंटिटी इसको फंड करेगा। गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है नवाचार की, कि अगर ये गरीब, बेसहारा या जो अभावों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ठीक है, अगर उनको इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो फिर नवाचारों का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये जितने भी हमारे जो स्कॉलर्स हैं, ये इनको सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी वो इनोवेशंस लेके आ रहे हैं या जिन पे लेके आना चाहते हैं, जिन पे वर्क करना चाहते हैं, तो एक जो छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति जो सबसे अभाव में रह रहा है, तो उसको ज़रूर नज़र में रखें। सबसे पहले गाइस बात करेंगे उसके बाद हम पैरामीटर्स के बारे में, कि क्या पैरामीटर्स होते हैं जिससे GII कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले गाइस बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास लगभग 80 पैरामीटर्स हैं जिनके बिहाफ पे ये GII रैंकिंग निकाली जाती है। लेकिन 80 को डिस्कस हम यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो गाइस पहला एक इम्पोर्टेंट जो फैक्टर आता है, दैट इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी कि जो हमारी सरकार का राजनीतिक जो वातावरण वो कैसा है। हमारे देश के अंदर राजनीतिक वातावरण में कोई उथल पुथल तो नहीं है किसी तरह के, अगर हम बात करें जैसे सरकारों पर करप्शन के, ठीक है, कई एक साल में कई कई सरकारें बन जाती हैं, तो वो मतलब एक स्टेबिलिटी जो सरकारों की होनी चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी सरकारों की होनी चाहिए, करप्ट प्रैक्टिसेस सरकारें ना करती हों, लोगों की जो आकांक्षाएं होती हैं, ठीक है, जो उम्मीदें होती हैं उनको पूरी करने वाली होनी चाहिए। तो ये क्या है आपकी मेनली इस तरह की चीज़ें इसके अंदर आती हैं। गाइस अगर बात की जाए एजुकेशन के बारे में, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक दैट इज, तो एजुकेशन बहुत रोल प्ले करता है। सबसे अगर हम गाइस बात करें एजुकेशन के बारे में, तो दुनिया में हम एजुकेशन के मामले में थर्ड कंट्री हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे कॉलेजेस ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट के हिसाब से, तो हम दुनिया में दूसरे नंबर पे आते हैं इनरोल स्टूडेंट के हिसाब से, यानी ऑन बिहाफ ऑफ इनरोल स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, राइट, सेकेंड नंबर पे हम आते हैं। अगर गाइस बात करें हम लोग स्पेस के अंदर, या हम रिसर्च पब्लिशिंग की बात की जाए, ठीक है, फिजिक्स के अंदर, तो हम चौथे नंबर पे आते हैं। हमारे यहाँ से काफ़ी जो स्टूडेंट हैं जो अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हैं, साइंस की बात की जाए या अलग जर्नल्स की बात की जाए, वहाँ पे हमारे बहुत जो रिसर्च हैं वो पब्लिश होते हैं। तो इस मामले में हम लोग क्या हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं हर तरीके से। अगर गाइस बात की जाए हमारे IIT इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए, IISc की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे IIT हमारे जितने भी IIT बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, IISc बंगलोर, IIT मद्रास, ये काफ़ी जाने पहचाने, वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग आती है, राइट। तो ये जो हैं इन्होंने काफ़ी रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, तो इनकी वजह से भी हमारी जो रैंक है उसमें उछाल आया है। गाइस अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, नेक्स्ट हमारा दैट इज पॉइंट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस गवर्नमेंट का और एनर्जी पे काफ़ी ध्यान रहा है, ठीक है। जब से ये गवर्नमेंट आई है, लगभग 6 साल से ज़्यादा इस गवर्नमेंट को हो गए, इसने दो क्षेत्रों में काफ़ी काम किया है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा एनर्जी की बात की जाए। तो ये किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए, इनोवेशंस के लिए, दोनों फैक्टर बहुत ही जरूरी होते हैं, ठीक है गाइस। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, दैट इज़ बिजनेस सोफिस्टिफिकेशन के बारे में, ठीक है, यानी बिजनेस का, पहली बात तो वैश्विक माहौल है या नहीं है, ठीक है, कंजर्वेटिव नहीं है, बिजनेस खोलना, बिजनेस को क्लोज करना, उसमें कितना आप गाइस बात करेंगे। हम लोग ने लास्ट वीडियो में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की थी, राइट, तो हमने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है उसमें, और हम लोग 63 नंबर पे उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर आ चुके हैं। तो ये यहाँ से बिजनेस का जो माहौल है वो बढ़ रहा है। तो ये मेन जो फैक्टर्स हैं जो इसमें GII जिससे आप रैंकिंग कहते हैं, इसमें कैलकुलेशन फैक्टर्स होते हैं। अब गाइस बात कर लें हम GII रैंकर्स के बारे में, तो जो पहला कंट्री है जिसने फर्स्ट रैंक सिक्योर की है, दैट इज स्विट्जरलैंड।
अगर हम सेकेंड कंट्री के बारे में बात करें गाइस तो दैट इज स्वीडन, और थर्ड है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसने थर्ड पोजीशन। अब गाइस बात करते हैं हम अपने प्यारे देश भारत के बारे में, तो हमारी जो रैंकिंग है 2020 की वो 48 है, और ये जो रैंकिंग है 131 कंट्रीज में से दी गई, 131 देशों में से हमने 48 रैंक सिक्योर की है। अगर गाइस बात करें इससे पिछले साल की, तो हमारी जो रैंक थी वो 52 थी इन्हीं कंट्रीज में से, ठीक है ना, तो हमने अभी 4 स्थान का उछाल हासिल किया है। तो गाइस इनोवेशंस में, साइंस के फील्ड में काफ़ी हमारी सरकारें काम कर रही हैं, हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी वर्क कर रहे हैं, तो आप भी इसी तरह से लगे रहिए ताकि हमारी जो रैंकिंग है अभी 50 के अंदर आई है तो हम लोग 10 के अंदर भी आएँ, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ में आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इस पर कमेंट कर सकते हैं, कोई चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे, आपको बताना है वाइपो का हेड क्वार्टर कहाँ पे, ये मेरा क्वेश्चन है आज का। अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक थैंक यू।